कुछ दुकानदार दुकान खोलते थे और कुछ दुकान अपने लॉकडाउन का पालन करते थे। तो आक्रोश काफ़ी है दुकानदारों के बीच। आज नरवाना के अंदर खादी चौक पर जो दुकानदार है, सभी दुकानदारों ने मिलकर और सभी एसोसिएशन ने मिलकर कुछ फैसले लिए हैं, इनसे बात करेंगे। आपने देखा मौके पर तहसीलदार साहब भी पहुँचे थे, DSP साहब भी, उनको अपनी मांगे रखी है कि हमें भी कुछ टाइम दिया जाए दुकान खोलने का, क्योंकि कुछ दुकानदार दुकान खोलते हैं और हम जो दुकान बंद करते हैं, लॉकडाउन का पालन करते हैं, तो हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जैसे किराया हो गया, यहाँ पर जो वर्कर लगे हैं उनका और घर का जो खर्चा होता है, और जैसे बिल हो गए, काफ़ी नुकसान दुकानदारों को उठाना पड़ रहा है इस समय। तो हमारे साथ कुछ एसोसिएशन के दुकानदार हैं, इनसे बात करेंगे क्या कुछ फैसला हुआ है और कल के लिए क्या रणनीति है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज जिस प्रकार से आपने मांग रखी थी कि हमें कुछ टाइम दिया जाए दुकान खोलने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से परचून की दुकान खुली है, उनका टाइम है, तो हमें भी कुछ टाइम दिया जाए, एक घंटा दो घंटा, और या फिर कुछ ऐसा समय बनाया जाए सबको एक समान टाइम मिले, तो आपकी तरफ से क्या रिएक्शन रहा और क्या आपने मांग रखी और तहसीलदार ने आपको सबसे पहले तो पत्रकार साहब महोदय, आपका, तहसीलदार साहब का और DSP साहब का, जिन्होंने बड़े ध्यान से हमारी बात सुनी और बड़े प्रेम से हमारे से बात की, उनका धन्यवाद करते हैं प्रशासन का। दूसरी बात यह है कि हमारा कोई बड़ा शहर नहीं है, मैंने पिछले लॉकडाउन में ये बात की थी, अब ये गई हमारे बाजार में 150-200 दुकानें हैं और जबकि भीड़ रहती है 10,000 की निर्माणा के अंदर, तो किराए ज़्यादा हैं, शहर की प्रॉपर्टी का रेट भी डी साहब ने करके 1-1 लाख रुपये का बाजार की दुकानों का रेट है, किराए ज़्यादा हैं, संस्थाओं की दुकानें हैं, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये किराया है, और जो बेचारे गरीब नौकर हैं जो 7-7 8-8 हज़ार में काम करते थे, उनका दाल चीनी रोटियों को गुजारा नहीं हो रहा, हम उनको तनख्वाह क्यों देंगे जब वो हमारी दुकान पे नहीं आएंगे। हमारे तो प्रशासन से एक ही मांग है, या तो संपूर्ण लॉकडाउन हो या फिर सबको मौका मिलना चाहिए दुकान खोलने का। तो आपने जो ज्ञापन दिया हमने ये कहा सरकार से, भाई हमारी दुकानें खोलने का हमारे को 4-4 या 5-5 घंटे दिए जाए या संपूर्ण लॉकडाउन दिया जाए। अगर हमारे साथ बिल्कुल व्यापारियों की तरफ से कहता हूँ, जाते हुए ना इलेक्शन के 30 साल है रहे, 3 साल इतनी दूर चटा जाएगा बाटा टेक 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 लीटर में, अगर हमारे साथ जाती करेगी तो नरवाना के अंदर। अच्छा, जैसे तहसीलदार साहब उन्होंने कहा है भाई हमारे को तो आपकी मजबूरी का पता है, लेकिन सरकार को आपकी मजबूरी का नहीं पता, हम तो इन बातों को समझते हैं। तहसीलदार साहब खुद रजिस्ट्रीकरण पर बैठे थे, उड़े कानों को भी हुआ, पटवारी भी हुआ, लेन वाला भी हुआ, देन वाला भी हुआ, रजिस्ट्री उड़े 10 आदमी इकट्ठे हुए हैं, पर हमारी दुकान पर आप एक बात समझो पत्रकार साहब, किसी आदमी गरीब आदमी सिलाई मशीन खराब हो, वो सिलाई मशीन पर गरीब आदमी कपड़े सीम के पह रहे हैं, तगड़ा आदमी तो अपना छोड़ ड्रेस ले रहा हो, वो मशीन कहाँ ठीक कराएगा, और एक आदमी तो ले रहा है जिसकी पंचर हों को नहीं ठीक है, और गरीब आदमी साइकिल ले रहा है, मोटरसाइकिल ले रहा है, वो पंचर कहाँ लगवाएगा। गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, जो बाजार में छोटा मारा चमड़े वाला बैठे हैं, और नाई का कड़े करना, नाई का तो एक आदमी बैठे है, नाई अपने मुंह पे मास्क लगा के, अरे हमारी सेब सूब करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी डांडी हो। अच्छा ये बताओ, अब आपको जिस प्रकार से बोला गया है भाई एक घंटे के बाद आपको रिजल्ट, तो आपका तरफ मैं तो ये कहता हूँ भाई हमारा तो फैसला ये हुआ ईमानदारी से, वो भाई दगा कर लेगा, व्यापारी कर लेगा, हम सारे दुकान खोल लेंगे, और जो हमारे पे प्रशासन अगर हमारा साथ देगा तो हम प्रशासन का साथ देवांगे, नहीं प्रशासन पे तो सारी पावर होगा। ये फैसला कर लिया, अगर कोई दुकानदार लॉकडाउन का अवहेलना करता है, जैसे मतलब 20 आदमी इकट्ठे खड़े हैं, तो आपकी तरफ से कुछ जा रही है? मैं ये कहता हूँ भाई सारे पत्रकार भाई शहर में 15-20 मिनट हाँ जागरूक करा, आप भी हमारे भाई हो, प्रशासन भी उनका ज़्यादा से ज़्यादा चलान काट दो और 7 दिन की दुकान सील कर दो उनकी, हमने जो फैसला मंजूर है सील लगा दो 7 दिन का, जिस दुकान पर 4 टप्पर आदमी किसी भी तरीके, या फिर कुछ चीज़ें चिन्हित करो जैसे डिस्टेंस के अनुसार। अब वो हम करेंगे सर, मास्क भी लगावाएंगे, डबल मास्क लगावाएंगे, और वो सैनिटाइज भी रखेंगे, और ग्राहक को हम ज़्यादा ग्राहक होंगे उनको सामान नहीं देवाएंगे, 1-2 आदमी को ही सामान देवाएंगे, 2 या 3 आदमी हमारा। आपका जो फैसला आज से लागू हो गया कल से भी? वो जी हमारे जो दूसरे साथी हैं, मैं अकेला तो हूँ नहीं, 150-200 आदमी थे, जो बाजार फैसला करेगा मैं तो उनके साथ हूँ और साथ ही रहूँगा, और सबसे पहले अपनी दुकान। धन्यवाद। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है,
देखा भी नरवाना की जो एसोसिएशन है सभी ने मिलकर ये फैसला किया है। तहसीलदार जो रिजल्ट सुनाएंगे वो अलग बात है, लेकिन कल से इनकी दुकान है वो खुलेगी सुबह से, और अगर कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से चालान काटा जाता है तो इसके विरुद्ध सभी दुकानदार इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे पुलिस प्रशासन के खिलाफ। हमारी ये रिपोर्ट आप वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, क्योंकि नरवाना या नरवाना के आसपास की हर खबर हमारा चैनल एनजी न्यूज़ हरियाणा आपको प्रोवाइड करवाता है। देखते रहिए एनजी न्यूज़ हरियाणा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ, जिस प्रकार से जो नरवाना की सभी एसोसिएशन है उन्होंने ये फैसला लिया है, ये सभी मिलकर कल से जो दुकानदार है सभी एसोसिएशन सुबह 8 बजे से 2 बजे तक दुकानें खुलेगी, हर दुकान खुलेगी। ये जो नरवाना के दुकानदार थे सभी एसोसिएशन थी ये मिलकर इनकी तरफ से फैसला हुआ है, तो कल 8 बजे से 2 बजे तक आप अपनी दुकान जो एसोसिएशन है इनके मुताबिक आप खोल सकते हो, लेकिन अगर चालान कटता है पुलिस प्रशासन की तरफ से तो वहाँ पर सभी दुकानदार इकट्ठा होकर प्रदर्शन भी करेंगे, ये दुकानदारों और एसोसिएशन के द्वारा बोला गया है। हम हर काम में प्रशासन के साथ भी रहते हैं।